सिंटैक्स सब उन्होंने कोड वर्ड है सिंटैक्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मेरा वर्ड है सिंटैक्स सम, ऐसा सम होता है जैसा ये सम है 12th का कैलकुलस का, कैलकुलस का सम, कैलकुलस में सम आता है ना, सेट रिलेशन फंक्शन कैलकुलस है, लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव कैलकुलस है, डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव कैलकुलस है, डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन अलग है, फिर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन, ये सारी चीज सब लोगों कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो कैलकुलस में क्या होता है, कुछ सम बहुत सॉलिड सम होते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ जिंडेक्स। मैं जिंडेक्स का मतलब समझा था, मैंने पीरियोडिक टेबल निकाला यहाँ देखो, ये हे नी अर्कर से है कितने लोगों को मालूम है, हे नी अर कर जेरन कितने लोगों को मालूम है, ये सब क्या है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। पहले रो में तुम्हारा हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे ग्रुप में हमारा लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन क्या बोलो ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन ना उसके बाद तुम्हारा ये नहीं, और तीसरे रो में नामगल सिप्सकल है, बोलो नामगल सिप्सकल, बोलो ना क्या बोला तुम्हें, नामगल सिप्सकल। तो पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात बता रहा इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, फर्स्ट चैनल है ना तुम्हारा, तुमको सफल पान में बढ़ा रहेगा, ये सेकंड है थर्ड ग्रुप बराबर ना। अगर मैंने इस ग्रुप के अंदर मैंने सोडियम को पढ़ लिया तो ये ग्रुप का मॉनिटर है सोडियम, सोडियम को पढ़ लिया तो इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो ये रो है और ये कॉलम है, तो थर्ड रो एलिमेंट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इफ आई स्टडी अबाउट मैग्नीशियम यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंटायर ग्रुप, दिस इज द ग्रुप वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में क्या बोलते हैं, किसकी बात कर रहा मैं, उसके ऊपर वाला है ना लिथियम स्टॉफ, बोलो क्या बोला मैंने, लिथियम बेरियम बोरॉन, इनको क्या नाम है मालूम क्या, इनका नाम है टिपिकल एलिमेंट्स, क्या नाम है इनका, बोलो टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल मतलब हटके, ये भी मेरा सट्टे का हो गया, क्या बोलते उसको, बोला ना हटके, जैसा अपना भी प्राणी देखा हटके, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हटके, ठीक है हटके समझता है, इनका बिहेवियर एकदम टिपिकल है, इनका बिहेवियर इस ग्रुप के बिहेवियर के साथ मैच नहीं करता। देखो दो कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूँ, एक्सट्रीम कंडीशन, सोडियम को पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पूरे ग्रुप के साथ मैच होगा, तुम चेक कर लो। तुमने मैग्नीशियम को पढ़ लिया तो पूरे को पढ़ लिया, तुमने क्लोरीन को पढ़ लिया ऐसा समझो पूरे हाइड्रोजन को पढ़ लिया, समझा क्या, आया ना, एसिड एंड रिएक्टिव क्लोरीन को पढ़ लिया तो तीनों के बारे में पढ़ा, लेकिन इसी ग्रुप में हैलोजन्स में, उसी ग्रुप हैलोजन्स में तुमको मालूम है फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन रहता है, बूम एक्सप्लोड होता है, अरे बात समझ रहा है, तो फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, उसी ग्रुप में हैलोजन के है लेकिन फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, टिपिकल, क्या बोलेंगे, टिपिकल। तो मैथमेटिक्स में देखो, केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में कुछ सम बहुत टिपिकल रहते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ सम टिपिकल रहते हैं, उसको मैंने नाम दिया सिंटैक्स, क्या नाम दिया, सिंटैक्स। उसको सम कोई दूसरे मेथड से तुम नहीं कर सकते, मेरे जैसे आदमी है प्रैक्टिस है एक्सपीरियंस है तो मेरे को सब मालूम क्या करना, मैं तो टीचर्स को भी नहीं आता, मैं पूरे क्लास को दिया किसी को समझाया नहीं, और ये 10 बार बोर्ड में आ चुका है, ये सम कितने बार बोर्ड में आ चुका, 10 मार्केट वाला सम है, इसको इधर लाना ही पड़ता ये ना, पहला स्टेप ऐसा नहीं है इधर ऐसा, इसको इधर लाना ही पड़ता, और इसका हिंट ये था कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, दोनों बाजू मैंने स्क्वायर किया, दोनों बाजू क्या किया, स्क्वायर, इसको इधर लाया इसको इधर लेके गया, फैक्टराइज करके